अक्सर भरमा शिमला मिर्च बनाते समय पूरी शिमला मिर्च को फ्राई करते हैं, जिससे शिमला मिर्च का कलर तो चेंज होता ही है और हम ज्यादा ऑयल भी कंज्यूम करते हैं, और दूसरा सर्व करते हुए पूरी शिमला मिर्च को खाने में अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है। तो आज की हमारी रेसिपी है बिना डीप फ्राई किए भरमा शिमला मिर्च यानी स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने और सर्व करने का सही तरीका। इसी के साथ मोनिकाज किचन में आप सबका स्वागत है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भरमा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने 3 शिमला मिर्च ली है, 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने उबाल कर छील लिया है, 150 ग्राम पनीर लिया है, 1 प्याज मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ जिसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है, 5 से 6 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और ऑयल। तो आइए पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले पनीर को मैश कर लेंगे। पनीर को मैश करने के बाद हम उबले हुए आलू भी मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आपको जितनी शिमला मिर्च बनानी है उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल के गर्म होने पर सबसे पहले हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और उसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इनको भी कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक हम भूनेंगे। प्याज भी भुन चुका है, अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। गैस को स्लो करके हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे और साथ ही मैश किया हुआ पनीर भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट तक मसाले को भूनने के बाद हम गैस बंद करेंगे और स्टफिंग को एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे, और उतनी देर में हम शिमला मिर्च की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च को वॉश कर लिया है। इस तरह से हम ऊपर का हिस्सा काट देंगे और शिमला मिर्च के अंदर के बीज सारे निकाल देंगे और पूरी तरह से शिमला मिर्च को खाली करेंगे। मोस्टली लोग शिमला मिर्च के बीज निकालने के बाद इसको पूरी की पूरी फ्राई करते हैं और फिर स्टफिंग करते हैं, जो कि ना तो देखने में अच्छी लगती है ना ही सर्व करने में ठीक रहती है। तो आज मैं आपको अपने तरीके से बनाकर दिखाऊंगी कि बिना फ्राई किए हुए हम स्टफ्ड शिमला मिर्च कैसे बना सकते हैं। इसी तरह से हम तीनों शिमला मिर्च को
खाली कर लेंगे, बीज निकाल देंगे। अब हम शिमला मिर्च में स्टफिंग करेंगे, तो एक चम्मच से हम अच्छे से दबाते हुए हम स्टफिंग करेंगे। इसे दबाकर स्टफिंग करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से चम्मच से प्रेस करते हुए हम अच्छे से शिमला मिर्च को भर लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी भी सारी शिमला मिर्च को भर लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने तीनों शिमला मिर्च को अच्छे से भर लिया है। अब हम इसको स्लाइस करेंगे। चाकू से हम तकरीबन आधा इंच के स्लाइसेस काटेंगे। इस तरीके से बनाई हुई भरमा शिमला मिर्च देखने में तो अच्छी लगती ही है, खाने में भी और सर्व करने में भी अच्छी लगती है। इसी तरह से हम सारी शिमला मिर्च को काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई स्लाइसेस में स्टफिंग थोड़ी कम लग रही है, तो हम अच्छे से स्टफिंग करेंगे। जिसमें भी हमें कम लग रही है हम उसमें डाल देंगे। अब एक ब्रश में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम सारे स्लाइसेस के ऊपर लगा देंगे। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे एक नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे और ये बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे और एक ब्रश हम ऑयल का नॉनस्टिक पैन में भी लगा देंगे और फिर सारे स्लाइसेस हम इसमें प्लेस कर देंगे।
अब गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और अच्छा सा कलर आने तक हम इनको पकने देंगे। बीच में एक बार हम इनको पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि स्टफिंग पहले से ही हमारी तैयार की हुई है, पकाई हुई है, तो हमें शिमला मिर्च को सॉफ्ट होने तक और स्टफिंग का अच्छा सा कलर आने तक पकाना है। तो इस तरह से हम पलट कर दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे। अब एक बार हम शिमला मिर्च को भी चेक कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो हमारी तैयार है भरमा शिमला मिर्च यानी स्टफ्ड कैप्सिकम बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।